यहाँ बुरवाल पे स्कूल के बच्चों के साथ हुआ है, बहुत ही दर्दनाक और निंदाजनक हादसा जो वो सामने आया है। मैं ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, एक बार मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जब हमारे म्यूनसिपल प्रेसिडेंट नरेश शर्मा जी कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो हमने एक मेमोरेंडम अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से एक उनको दिया था कि हम लखनपुर से जब आते हैं तो हमारा जो मेन कालीबड़ी चौक, किसी को ये पता ही नहीं है कि ये कालीबड़ी चौक, जो बाहर से आएंगे उनको कैसे पता चलेगा कि ये कालीबड़ी चौक है। और दूसरी जो बात है, ये इतना बिजी चौक है और यहाँ पे कैमरे की व्यवस्था आज दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन से की नहीं गई है। आज मैं खुल के कहना चाहूँगा कि अस एक गल में डोगरी च आखना चाहना कि अस लोग आखने दे गल्लां बड़ियां बड़ी बड़ियां करी ओड़ने होने, अस ए कीता ते ओ कीता, ते ग्राउंड लैवल पर जिसलै दिखना होवे ना एक भी काम जेड़ा कंप्लीट नहीं होगा। जेड़े मेन मेन हाईवे चौक ने, चाहे ये कालीवड़ी हुई आ, चाहे अपना इधर अटली मोड़ हुई आ, चाहे मेन जेड़े जुथ बड़ा रश रहा, वो बहु मैं आखा ना बहुत बुरी हालत है। और तुम दिखो ये बसा कि लगे दी, और इस साढ़े कालीवड़ी जेड़ा ये साढ़ा डिग्री कॉलेज वाला रूट है, इतने बसा जंदे वक्त जड़ियाँ इतने थोड़ी देर तक रोकी गई हैं, क्योंकि इतने दो इंसीडेंट हुई है, दो लोगों की मृत्यु हुई है, दो चार दिन इन्होंने बसा एडमिनिस्ट्रेशन ने रोकी ओड़िया, हूँ वापस तो चाहते हैं कि चार पाँच लोग होर मरन साढ़े अट्ठे थोड़े अट्ठे, तो फिर ये बसा इतों रुकनिया। और तुम हूँ इतने सिक्योरिटी का दिखो, एड्डा बड़ा चौंक है, एक पुलिस आला इतने लगे दा बंदा कैमरा घुमाइए, मैं आखना चाहना कि दसो एक पुलिस आला तक, एक पुलिस आले कौन सुना, और बेचारा सीटियां के डंडे मारता रहता, वो भी बंदा कोई नहीं, जुदा मन करा करी उधर ही जा, जुदा मन करा उधर ही जा, जुदा मन करा रोंग साइड चली जा। ये मैं आखना चाहना कि यह जरा बिजी रूट है, इतने एक तो सिक्योरिटी जी होनी चाहिए, ए डी सी साहब अगर, एस एस पी साहब अगर रिक्वेस्ट है साड़ी, इतने एक सिक्योरिटी चाहिए, तो दूआ ये जेड़े साढ़े बसा का रूट है इसी चेंज किया जा, और दूआ इतने कैमरे जेड़े इतने लाए जा, और ताकि आने वाले पुलिस वाले जनता ही यहोजा कोई नुकसान नहीं हो। क्या देखते हैं, बहुत बड़ा सड़क हादसा पेश आया, और आज जितने भी मुख्य चौक हैं सर्विस लेन इस्तेमाल नहीं होती, और डायरेक्ट एंट्री जो है वो हाईवे पे। ये तो आप भी बड़ी बनती देख रहे हो कि जहाँ पे ना कोई पुलिस का बंदा, एक बंदा है वो बेचारा कितनी ट्रैफिक देखेगा, ना कोई ट्रैफिक का बंदा है। आप देखिए जो सुपरवास्ट हैं जो जम्मू कठुआ रूट की, उनका कोई तरीका ही नहीं है, आप सर्विस लेन में लगाइए उसको, अपनी मर्जी से क्रॉसिंग कर देते हैं, कोई गाड़ी उधर से आ रही है, कोई उधर से आ रही है, उसके बावजूद आप वहाँ पे चौक पे देखिए कितना रश है, जो सर्विस लेना है वो बिल्कुल बंद की हुई है, लोगों ने गाड़ियाँ लगा के
या कोई प्राइवेट गाड़ी जहाँ दिल करता है, दोनों साइड देख लीजिए आप। तो जो ये सब जो ट्रैफिक की व्यवस्था है हमारे अपने कठुआ शहर में, ये बिल्कुल ही बद से बदतर है। और मैं कहना चाहूँगा कम से कम दो तीन जहाँ पे ट्रैफिक वाले होने चाहिए जो ट्रैफिक को अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सके। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे मेन चौक है हमारा कालीबड़ी में, तो यहाँ पे कम से कम दो चार कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आए दिन आप देखते रहते हो कि कोई ना कोई हादसा होता रहता है, क्योंकि जहाँ पे ना तो कोई मतलब कोई स्पीड ब्रेकर है, चलो हाईवे पर तो नहीं भी ना आ सकते, तो जो जहाँ पे कम से कम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए दो चार बंदे ट्रैफिक के जहाँ पे होने चाहिए, पुलिस के दो चार बंदे होने चाहिए, जिसके कारण लोगों को कम से कम उनका प्रभाव होना चाहिए, लोगों को डर होना चाहिए कि ये पुलिस वाले खड़े हैं, अगर रॉन्ग साइड से गाड़ी जाएंगे तो ये हमारा चलान हो जाएगा। इसी के चलते आपने मेरे ख्याल में पिछले दिन जो बरवाल मोड़ में जो हादसा हुआ, वो वहाँ पे भी कोई बैठने के लिए जगह नहीं है, बच्चे बेचारे रोड पे खड़े रहते हैं, वो क्रॉसिंग करते हैं, इतनी तेज़ गाड़ी आ रही होती है, वो बेचारी हमारी छोटी गुड़िया है उसकी डेथ हो गई है। तो इसी के चलते मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था है कालीबड़ी में वो देखा जाए, और इसके चलते कम से कम भी दो तीन कैमरा दोनों साइड उधर भी लगाए इधर भी लगाए कि कौन सी गाड़ी क्या कर रही है, कौन सी गाड़ी गलत है, कल को कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका देखने के लिए, ट्रैफिक को देखने के लिए कौन गलत है कौन सही है। और उसके चलते एक बात और है, अगर आपने सीसीटीवी कैमरे लगाए होंगे उसके लिए आपको ये भी रहेगा, जो आपके मुलाजिम होंगे जैसे ट्रैफिक वाले जहाँ पे होंगे, पुलिस वाले जहाँ पे होंगे, और उनको भी इनका डर होगा कि हम कहीं ना कहीं कैमरे की निगरानी में है, कोई हम कहीं छुप नहीं सकते, हम ड्यूटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते बस यही गुजारिश करता हूँ कि आए दिन ऐसे हादसे ना हो, और लोगों की खुशहाली के लिए फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि सीसीटीवी कैमरे और जो गाड़ियाँ सुपरफास्ट से बसें जो भी हैं इनको सर्विस लेन में चलाएं प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे हादसे हो चुके हैं आज तक, अगर इनको सर्विस लेन में रखेंगे तो हादसों से निजात मिलेगी। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अखिल जसरोटिया और मैं कॉलेज का छात्र हूँ। जैसे कि जो हादसा यहाँ बरवाल पे स्कूल के बच्चों के साथ हुआ है, बहुत ही दर्दनाक और निंदाजनक हादसा जो वो सामने आया है। मैं ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, एक बार मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जब हमारे म्यूनसिपल प्रेसिडेंट नरेश शर्मा जी कुर्सी पे बैठे हुए थे तो हमने एक मेमोरेंडम अपनी तरफ से बच्चों की तरफ से एक उनको दिया था कि हम लखनपुर से जब आते हैं तो हमारा जो मेन कालीबड़ी चौक, किसी को ये पता ही नहीं है कि ये कालीबड़ी चौक, जो बाहर से आएंगे उनको कैसे पता चलेगा कि ये कालीबड़ी चौक है। और दूसरी जो बात है, ये इतना बिजी चौक है और यहाँ पे कैमरे की व्यवस्था आज दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन से की नहीं गई है। आज मैं खुल के कहना चाहूँगा कि अस एक गल में डोगरी च आखना चाहना कि अस लोग आखने ते गल्लां ते बड़ियां बड्डियां बड्डियां करी ओड़ने होने, अस ए कीता ते ओ कीता, ते ग्राउंड लैवल पर जिसलै दिखना होवे ना एक भी काम जेड़ा कंप्लीट नहीं होता। जेड़े मेन मेन हाईवे चौंक ने, चाहे ये कालीवड़ी हुई आ, चाहे अपना इधर अटली मोड़ हुई आ, चाहे मेन जेड़े जुत बड़ा रश रहिंदा वो मैं आखा ना बहुत बुरी हालत है। हुण तुसीं दिखो ये बसा कि लगे दी, और इस साढ़े कालीवड़ी जेड़ा ये साढ़ा डिग्री कॉलेज वाला रूट है, इतने बसा जंदे वक्त जड़ियाँ इतने थोड़ी देर तक रोकी गई हैं, क्योंकि इतने दो इंसीडेंट हुई है, दो लोगों की मृत्यु हुई हैं, दो चार दिन इन्होंने बसा एडमिनिस्ट्रेशन ने रोकी ओड़ियाँ, हूँ वापस तो चाहते हैं कि चार पाँच लोग होर मरन साढ़े हटे थोड़े हटे तो फिर ये बसा इतों रुकनियाँ। और तुस हूँ इतने सिक्योरिटी तो दिखो, एड्डा बड़ा चौंक है, एक पुलिस वाला इतने लगे दा बंदा कैमरा घुमाइए, मैं आखना चाहना कि दसो एक पुलिस वाला इतने लग, एक पुलिस वाले ही कौन सुना वा, उस बेचारा सीटियां दे डंडे मारता रहिंदा, उदी मंदा कोई नहीं, जुदा मन करा दा कदी उधर ही जा, जुदा मन करा उधर ही जा, जुदा मन करा रोंग साइड चली जा दा। ये मैं आखना चाहना कि ये जेड़ा बिजी रूट है इतने एक तो सिक्योरिटी जी उ होनी चाहिए, ये डी सी साहब अगे एस एस पी साहब अगे रिक्वेस्ट है साड़ी, इतने एक सिक्योरिटी चाहिए, तो दूआ ये जेड़े साढ़े बसा का रूट है इसी चेंज किया जा, और दूआ इतने कैमरे जेड़े इतने लाए जान,
और ताकि आने वाले भोल भाले जनता ही यहोजा कोई नुकसान नहीं होया। सारे को बड़ी गल ये आखना चाहना जियां मेन जेड़े साढ़े चौंक न इत सर्विस लेन का इस्तेमाल जेड़ा वो किया जाना चाहिए क्योंकि डायरैक्ट लिंक रोड उपर हाईवे उपर अस गड्डियां चढ़ा के तो एक्सीडेंट ही होने हैं। तो मैं डीसी साहब अगर SSP साहब अगर SSP ट्रैफिक साहब अगर रिक्वेस्ट करना चाहगा कि जेड़े साढ़े सर्विस रोड न इनका यूज़ किया जा ये भी तो बनाए दें यूज़ करने तीन बनाए दें। ठीक है, जय हिंद जय भारत। शहर में बाज़ार में जो बड़े बड़े लाले लोग होते थे या सुनारे होते थे वहाँ चोरियाँ होती या किसी पेट्रोल पंप पे या किसी रोड पे, तो आजकल चोरी का ऐसा ज़माना आ लगा है जहाँ बच्चों को शिक्षा देते हैं वहीं पे चोरी होती है, जहाँ बच्चों को तालीम हासिल की जाती है वहाँ पे चोरी होने लगी। तो हम इससे बड़े शर्मसार हैं। ये हमारा वार्ड नंबर 2 का ये स्कूल है, हम घोड़ीचक से बोल रहे हैं, जहाँ हमारी मैडम जी का ऑफिस था वहाँ से एक लैपटॉप होता है, मतलब वो स्कूल ही का काम करता है 23-24 हज़ार का, वो भी ले गए। एक मोबाइल था वो भी ले गए, एक घंटी थी मतलब बहुत महंगी होती है वो तरामे की, वो भी ले गए, और भी इनका छोटा मोटा जो भी सामान था वो भी ले गए, क्योंकि बच्चों के सारे कागजात यहाँ ही होते हैं, अगर कल को उनको को जला दे या ले जाए तो ये कहाँ से सबूत लाएंगे। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से पुलिस स्टेशन लखनपुर SHO साहब बड़े अच्छे हैं कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सख्त सख्त कानून में कार्रवाई की जाए, ताकि जहाँ शिक्षा देने वाली मंदिर मस्जिद स्कूल हो ये सबके लिए एक है। इनका पहरा हर लोग को करता, हर लोग मानते हैं जो ये चोरी करते हैं वो भी किसी स्कूल में पढ़े या उनके आगे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे स्कूल को नहीं बख्शेंगे, कल ये आदमियों को काट डालेंगे, ये माएँ बहनों को काट डालेंगे या रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा हमें। हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे ये जो स्कूल के ये चोरी हुई तो हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी यही गुजारिश है आपके माध्यम से। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चकगोटा से यहाँ की इंचार्ज हूँ रुखसाना अख्तर। जब सुबह हम स्कूल में आए तो हमारे जो वाटर वूमेन या सफाई कर्मचारी जो है हमारी, वो स्कूल में आई तो उन्होंने देखा कि ये हमारा स्कूल का जो ताला मेन गेट जो था, मेन डोर ऑफिस का, ये टूटा हुआ था। हमारी अलमीरा जो है वो भी टूटी हुई थी सारी की सारी, सारा सामान हमारा गिरा हुआ था। फिर हमने वो फटाफट उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, यहाँ लोकल टीचर्स आए, यहाँ के कमेटी मेंबर्स आए और उन्होंने देखा कि ये ऑफिस में बहुत बुरा हाल था। जब हम पहुँचे तो बहुत बुरा, सारा का सारा सामान बिखरा हुआ था और उसमें जब फिर हमने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, फिर जब हमने चेक किया तो हमारे स्कूल का टैबलेट जो हमारा सारा ऑफिस रिकॉर्ड होता है जिसमें, वो भी गायब था और इसके साथ साथ हमारा स्कूल का जिसमें हम बायोमेट्रिक मशीन लगाते हैं फ़ोन, वो भी गायब था और हमारे स्कूल की बेल वो भी इवन उठा के ले गए चले गए। बड़े अफसोस की बात है कि स्कूल की जो छोटी छोटी चीज़ें या स्कूल जो हमारी मैंडेटरी चीज़ें होती है वह जो चोरों ने जो यहाँ से शिक्षा लेके जाते हैं वही चोर बन जाते हैं। बड़ा अफसोस की बात है, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने ये सब चीज़ें हमारे स्कूल की उठा के ले गए और इसके साथ छोटा छोटा नुकसान, हमारे लॉक, हमारे दरवाजे वगैरह तोड़ के चले गए, मीरा वगैरह सब, तो काफ़ी नुकसान हमारे स्कूल का कर। इस प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वो क्या करें कि चोरों को पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो मोबाइल वगैरह है उनका EMI वगैरह हमने दे दिया हुआ है, ताकि जो भी अगर चोर उस फ़ोन को इस्तेमाल करें या टैबलेट को इस्तेमाल करें ताकि वो ट्रेस कर सके उसको और हमारी जो चीज़ें खोई हुई हैं वो हमें उनके सहयोग से हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए हमारे स्कूल की।